जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 3 दिन का डे है, मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक हमारा मिनी नगमा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर चमके साए डले, हम एक हैं हम एक हैं। पर मुझे तो इस बच्चों के नीचे कई हम डिसेबल लोगों की, इस डिसेबल लोगों तो कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जितने डिसेबल पर्सन हैं उनके इशूज बिन तहा हैं और हमारी पाकिस्तान और गवर्नमेंट उस तरफ गौर ही नहीं करती कि हमारे डिसेबल पर्सन के राइट्स क्या हैं। तो हमारी जो एक वो है, एक ख्वाहिश है कि हमारे जो डिसेबल पर्सन जितने भी हैं उनके लिए सिंध असम्बली में हमारा कोई नुमाइंदा ऐसा बैठना चाहिए कि जो हमारे डिसेबल पर्सन के इशूज़ पर बात करें, ताकि हमारे जो ये मसले हैं वो हल हों। हमें ट्रांसपोर्ट का मसला आता है, स्कूल में स्टडीज़ का मसला आता है और मुख्तलिफ जो हमारे इशूज़ हैं जिसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें फेस करते हैं डेली रूटीन में। अगर आप मेरी इस वीडियो से इत्तेफाक करते हैं तो खुदारा इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आवाज़ जो है पाकिस्तान और गवर्नमेंट तक पहुँची जाए और हमारे इश्यूज जो हैं वो क्लियर किए जाए। अभी कराची में नई बसें येलो बसें चलाई जा रही हैं, तो हम सबकी ख्वाहिश है कि उसमें एटलीस्ट दो सीटें जो हैं स्पेशल पर्सन के लिए रखी जाए, ताकि हम भी अपनी मर्ज़ी से और एक सस्ती ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकें और अपनी मर्ज़ी से हम कहीं भी जा सकें, अपनी स्टडीज़ के लिए जा सकें, अपनी जॉब के लिए जा सकें और सैर व तफरी के लिए जा सकें। क्योंकि इस पाकिस्तान पे जितना एक नॉर्मल बंदे का हक है उतना ही एक डिसेबल पर्सन का हक है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और अगर मेरी आप इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, मेरे इशू पर इत्तेफाक करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।